अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे चिकन के समोसे। तो फिर चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए ये समोसे की शीट्स। ये हमारी होममेड घर की बनी हुई है, इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ये क्लिप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे हम हसबे ज़रूरत, और नॉर्मल पानी लेंगे हम इसे गूंदने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो आटे में हम ये नमक ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे भूनकर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो आटे को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, नॉर्मल रोटी का जो हम आटा गूंदते हैं बस उससे थोड़ा सा टाइट डो इसका हमें रखना है। आटा मैंने गूंद लिया है, इसे अब हम रख देंगे 5 मिनट के लिए ढककर ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट बाद देखिए आटा हमारा सेट हो गया है। तो इसे हम तोड़कर इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो देखिए इतनी साइज़ के पेड़े हमें इसके बना लेने हैं। तो एक पेड़ा हमारा बन गया है, तो बाकी के भी हम बना लेंगे। तो देखिए इसके मैंने 10 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। तो देखिए ये साइज़ की हमें इसकी रोटी बनानी है। तो ये एक रोटी हमारी बन गई है, अब हम बाकी की भी बना लेंगे। देखिए इसकी मैंने सारी रोटियां बेल कर रख ली है। तो ये जो रोटी है इस पर हम ऑयल लगाएंगे। तो मैंने ये ब्रश का यूज़ किया है, आप तेल हाथ से भी लगा सकती हैं। इस पर मैंने ऑयल लगा दिया है, अब हम इस पर सूखा आटा डालेंगे। इसके बाद हम इस पर ये दूसरी रोटी रखेंगे और फिर इस पर भी ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल लगाने के बाद सूखा आटा डालेंगे और तीसरी रोटी हम इस पर रखेंगे। तो इसी तरह से हमें टोटल 5 रोटियां रखनी है और फिर इसे हम 5 रोटी की एक बड़ी रोटी बनाएंगे। तो ये 5वीं रोटी भी मैंने इस पर रख दी है। तो ये 5वीं रोटी पर हमें ऑयल नहीं लगाना है, इस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो अब हम इन 5 रोटियों की एक बड़ी रोटी बेलेंगे। तो इसे मैंने बेल लिया है, अब हम इसे तवे पर सेकेंगे। तवे को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अगर आपने तवा बहुत ज़्यादा गर्म किया तो ये जो शीट्स हैं वो रोटी की तरह पक जाएंगी। तो तवे को हमें हल्का सा गर्म करना है और फिर हम ये शीट उस पर डालकर हाफ कुक करेंगे। तो देखिए ये एक साइड से कुक हो गई है, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से कुक हो गई हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे तवे से। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसकी शीट्स अलग कर लेंगे। अब ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है, तो हम इसकी शीट अलग कर लेंगे। तो बहुत ही आराम से और एहतियात के साथ आपको इसकी शीट अलग करनी है।
और ध्यान रहे ये बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी फट गई तो जब आप इसके समोसे बनाएंगे तो ऑयल समोसों के अंदर चला जाएगा और समोसे आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए बहुत एहतियात से आपको इसे अलग करना है। तो नॉर्मल जो घर में हम समोसे बनाते हैं उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि उसका आटा कच्चा होता है। और जब इस तरह से समोसे की पट्टी को हम हाफ कुक कर लेते हैं तो उसे हम 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारी शीट्स मैंने अलग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो समोसे की शीट बनाने के लिए इसे हम सेंटर से काटेंगे। और फिर हम इस साइड से इसे काटेंगे। तो ये समोसे की शीट भी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इससे कोई भी समोसे बना सकते हैं, चिकन समोसे या फिर वेजिटेबल समोसे या फिर मीठे समोसे। तो आपकी जो मर्ज़ी हो वो समोसे आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो हसबे ज़रूरत हम ये समोसे की शीट्स लेंगे। इसके अलावा मैंने चिकन का कीमा लिया है 250 ग्राम और एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने ऑमलेट कट काट लिया है और 5 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया लेंगे हम बारीक कटा हुआ और 2 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, गरम मसाला लेंगे हम 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ये चिकन का कीमा डाल देंगे। चिकन को हम कुछ देर उसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए चिकन हमारा भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। चिकन को हम 2 मिनट और भूनेंगे। चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और ये गरम मसाला पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हम इसमें ये कटी हुई प्याज डाल के इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस इसे हल्का सॉफ्ट कर लेना है। तो प्याज को मैंने सॉफ्ट होने तक पका लिया है, अब मैं इसमें ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लास्ट में हम ये हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो समोसों की फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब हम समोसे की स्टफिंग कर लेते हैं। उससे पहले हम समोसे को चिपकाने के लिए उसकी लई तैयार करेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए अभी हमारी ये लई जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे लगाकर हम समोसे बनाएंगे। तो ये एक समोसे की शीट मैंने ले ली है। समोसे की शीट के किनारे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका कोन बना लेंगे। समोसे की शीट हम इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमने लई तैयार की है उसे इसके किनारे पे लगाएंगे और इसकी दूसरी साइड को उठाकर हम इस पर चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारी कोन बन जाएगी। अब हम इस कोन में चिकन की स्टफिंग करेंगे। तो ये 1 टेबल स्पून चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपका कोन बड़ा है तो 1/2 चम्मच और आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम कोन के ऊपर वाले किनारों पर लई लगाएंगे। और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये एक समोसा हमारा रेडी हो चुका है, तो इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो सारे समोसे रेडी होने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए मैंने इसे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो मज़ेदार से हमारे चिकन समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इसे इफ्तारी में बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।